हाय फ्रेंड्स, मैं सूर्या है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। मैं फिलहाल हूँ गोरेगांव स्टेशन के। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ज़ोर से बारिश हो रही है और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे पानी भर गया है। लोग देख सकते हैं आप किस तरह से लोग जा रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा है लोगों को। रास्ता जाम है, लोगों को चलने को नहीं हो रहा है। आप देख सकते हैं, पानी दिखा देता हूँ किस तरह से पानी है इस रास्ते में, जिससे लोगों को चलने में बड़ी दिक्कत आ रही है। बहुत ज़्यादा इश्यूज है, आप देख सकते हैं गोरेगांव स्टेशन का ये माहौल है। मैं भी आधे से ज़्यादा भीगा हुआ हूँ और ऊपर से अब पानी काफ़ी ज़्यादा है। आई होप ये बारिश कम होगी और ये दिक्कत होगी। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ और नज़ारे किस तरह से पानी का एक जलभराव काफ़ी ज़्यादा है मुंबई में। आप देख सकते हैं किस तरह से रास्ता जाम हुआ पड़ा है। गोरेगांव के इधर मैं मौजूद हूँ और करीबन ये वक्त हो चुका है 8:30 बजे का और काफ़ी ज़्यादा भीड़ यहाँ पे आप देख सकते हो। ट्रैफिक जाम लगा हुआ है, लोग भीगे हुए हैं और गाड़ियाँ तो ज़रूर है लेकिन खड़ी हुई है गाड़ियाँ, तो एक कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है जब कहीं ना कहीं बारिश होने लगती है। आप देख सकते हो जो भी बस वगैरह भी है वो भी एक भरी हुई है और साथ ही जो रास्ते हैं वो भी कहीं ना कहीं काफ़ी जाम हुआ चला। आप देख सकते हो उधर दूर अगर आप देखोगे तो बस वगैरह दिखाई देगी, सब जगह कहीं ना कहीं जाम लगा हुआ है। ये आलम एक दिन का नहीं, हर वक्त का है जब भी बारिश होती है मुंबई में। और मैं फ़िलहाल गोरेगांव के यहाँ पर स्टेशन के यहीं खड़ा हूँ। आप देख सकते हैं स्टेशन का ये माहौल है और इस तरह से हमेशा बारिश होती है। हाय फ्रेंड्स, मुझे अभी 10 मिनट करीबन हो गए हैं स्टेशन से चलते हुए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक जाम था। अब वन साइड ट्रैफिक जाम तो दिख निकल चुका है बट कहीं ना कहीं दूसरे साइड का जो जाम है वो अभी तक है। आप देख सकते हैं दूसरे साइड की गाड़ियाँ खड़ी हुई है जो धीरे धीरे निकलने की कोशिश में लगी हुई है। और आगे आप देख सकते हैं, मैं घुमा लेता हूँ कैमरा, यहाँ पर भी कहीं ना कहीं ट्रैफिक जाम है। तो मुंबई में बारिश का वक्त में हमेशा ही कुछ इस तरह का नज़ारा रहता है। और जैसे ही मैं ऑफिस से निकला मुझे लगा था कि कहीं ना कहीं इस तरह का नज़ारा ज़रूर होगा और बिल्कुल वैसे ही हुआ। और कहीं ना कहीं जब मैं स्टेशन से उतर रहा था तो मैंने एक बुज़ुर्ग महिला को देखा कि वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम महसूस कर रही थी उतरने के लिए और उन्हें उतरने के लिए कोई मदद नहीं कर रहा था। मैंने सोचा कि मैं क्यों ना मदद कर दूँ और उसके साथ ही मैंने उन्हें उतारा वहाँ से जो सीढ़ियाँ होती है स्टेशन की वहाँ से और बराबर उन्हें एक जगह पर पहुँचाया। और आप भी हमेशा अगर जो एक नीड में है या जो ज़रूरतमंद है या जो प्रॉब्लम में है उनकी थोड़ी थोड़ी अगर मदद ज़रूर करेंगे तो आपका भी कहीं ना कहीं ज़रूर भला होगा। आराम से आप आराम से उतरे, आप पकड़ लीजिए चाहिए तो दिक्कत पकड़ लीजिए आराम से उतरे, फिसल रहा है ना। और लोग खड़े भी हैं ना इसे पकड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, चलिए तो मैं नीचे तक छोड़ देता हूँ आपको। बारिश बहुत ज़ोर से ज़्यादा है ना, क्या करेंगे। आराम से आराम से, हाँ, एक सेकेंड आप उतर जाइए। थैंक यू। क्योंकि हर छोटी छोटी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस अगर आप निकालेंगे तो आपको हमेशा फ़ायदा होगा और इस तरह की छोटी छोटी मदद अगर करेंगे तो आपके दिल को अच्छा लगेगा। और जो बुज़ुर्ग महिला है वो ज़रूर आपको दुआ देगी या बुज़ुर्ग जो लोग होते हैं वो काफ़ी आपको दुआएं देंगे। मेरी बस आ चुकी है, मैं कोशिश करता हूँ कि उसमें चढ़ जाऊँ, देखता हूँ शायद चढ़ पाऊँ या नहीं। चलिए, मैं गलत था कि मैं चढ़ पाऊँगा। आप देख सकते हैं कितनी भरी हुई है बस और ये मेरे सामने से ही जा रही है बस और इतना तो साफ है कि मैं इसमें चढ़ नहीं पाऊँगा और बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो मैंने बस छोड़ दी है। चलो देखते हैं कोई दूसरी बस मिलेगी तो ठीक है, वरना मैं चल के यहाँ से जाऊँगा क्योंकि मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं है
और करीबन करीबन मुझे एक घंटा ज़रूर लगेगा घर पहुंचने में, लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि एटलीस्ट अगर मैं चलता रहूँगा तो मैं घर पहुंच जाऊँगा, वरना घर पहुंचना भी बहुत मुश्किल रहेगा मेरे लिए। काफ़ी शोर शराबा है और बारिश भी ज़ोर से हो रही है। चलिए देखते हैं, ट्राई करते हैं। मेरी बस शायद आगे सिग्नल पे खड़ी है, आई होप मुझे वो भरी हुई बस मिल जाए और मैं घर पहुँच सकूँ। हाय फ्रेंड्स, किसी तरह तो मैं घर के आसपास पहुंच चुका हूं इतनी बारिशों में, पर कहीं ना कहीं बारिश काफ़ी ज़्यादा आ रही है इसलिए मुझे काफ़ी दिक्कत हुई, और नसीब से मुझे बस मिल गई थी तो मैं भी शायद कुछ टाइम में घर पहुंच जाऊंगा। चलिए, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, और मुझे चलने और बस में सफ़र करने में बहुत मज़ा आया, और चलिए दोबारा मिलते हैं कुछ बॉलीवुड खबरों के साथ आपको बताने के लिए। चलिए, बाय।